और अब बात करते हैं जबलपुर की इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है, जहां पे जबलपुर में चला है नगर निगम का बुलडोजर और सत्ता किंग दिलीप खत्री के अवैध मकान पर ये बुलडोजर चला है। गोरखपुर इलाके में बना था दिलीप खत्री का ये मकान, नगर निगम राजस्व और पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स की तैनाती रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर नगर निगम का बुलडोजर एक बार फिर से चला है, इलीगल कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त करके एक बड़ा और कड़ा संदेश देने की कोशिश यहाँ पर नगर निगम की तरफ से की गई है। पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम का ये पीला पंजा चला है। सत्ता किंग दिलीप खत्री के अवैध मकान को पूरी तरीके से जमींदोज किया है। कुमार इंदर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। कुमार, एक बार फिर से बुलडोजर चला के इलीगल कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त करके एक बड़ा और कड़ा संदेश देने की कोशिश यहां पर माफियाओं को की गई है नगर निगम की तरफ से। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री का जो बुलडोजर अभियान चल रहा है, उसी के तहत जो है जबलपुर में भी पिछले दिनों कार्रवाई हुई, आज फिर से पुलिस प्रशासन, नगर निगम का अमला और राजस्व अमला, अतिक्रमण अमले के साथ जो है वो गोरखपुर इलाके में पहुंचा और पूरे घर की नाप तोलाई हुई। और पहले भी इसको जो है कई बार नोटिस दिया जा चुका था। बताया जा रहा है कि सत्ता किंग जो है वो काफी दिनों से जो है, हालांकि पहले भी इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, इसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। आज इसी कड़ी में जो है पूरी टीम ने पहुंचकर जो है मौके पर भारी बल के साथ जो है अतिक्रमण कर पूरी बिल्डिंग को जो है वो ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इससे निपटने के लिए भी भारी पुलिस बल जो है मौके पर तैनात रहा। नगर निगम की पूरी टीम, राजस्व अमले की टीम, वो सब मौके पर मौजूद रही और देखते ही देखते जो है ये घर को जो है कह सकते हैं कि पूरा जो अवैध हिस्सा बना था वो अवैध हिस्सा गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि 15 से 20 फीट तक जो स्वीकृति थी उससे 15 से 20 फीट तक ही ज्यादा हिस्सा आगे बढ़कर बनाया गया था। एक तरह से अवैध निर्माण ये किया गया था, उसको गिरा दिया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और नगर निगम की इस कार्रवाई से माफियाओं में एक तरह से खौफ है, क्योंकि हमने पिछले दिनों भी देखा कि किस तरह से लगातार पुलिस इस तरह का अभियान चला रही है। उसी अभियान के तहत जो आज ये गोरखपुर स्थित जो है सत्ता किंग के यहाँ कार्रवाई की गई है। जी ठीक है कुमार, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।